नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके सामने द इटा शो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल से जुड़ी खबर से। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कंगना को आज प्रधानमंत्री मोदी का साथ मिला, लेकिन ये साथ कितना काम आएगा और हिमाचल में कांग्रेस का आगे क्या प्लान है, इस पर विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर है छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी से जुड़ी। ऐसा क्या हुआ जो ये जांच ईओडब्ल्यू से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई, और अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरी खबर है साय सरकार की सख्त नीति से जुड़ी। सरकार नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए पुनर्वास नीति पर जोर दे रही है। इसी बीच सरकार को नक्सलियों की तरफ से जवाब भी आया है। बड़ी ही दिलचस्प नीति है, इस पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। चौथी खबर में देश के दिल की बात करेंगे, यानी मध्य प्रदेश की। आज एमपी वालों को खुशी होगी ये जानकर कि आपका अपना राज्य पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है, कैसे वो भी बताएंगे। और आखिरी खबर में हम बात करेंगे गर्मी के प्रकोप की। आपको बताएंगे कि गर्मी केवल आपके पसीने नहीं छुड़ा रही, बल्कि आपके जेब पर भी भारी असर डाल रही है। इन सभी खबरों पर विस्तार से एक एक कर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश पहुंचकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए न केवल प्रचार किया, बल्कि कांग्रेस को तालाबाज पार्टी कहकर एक नई बहस को जन्म दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद मंदिर से लेकर उद्योगों तक पे ताला लगाती है, इसलिए इस पार्टी पर भरोसा ना करिए। उधर कांग्रेस ने मोदी के भाषण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी तो सिर्फ आसमानी बातें करते हैं, जमीन की बातें करना उन्होंने छोड़ दिया है। समय बदला है लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। लोकसभा के 5 चरणों में मतदान होने के बाद बारी है 6वें और 7वें चरण के मतदान की। 25 मई की सुबह 6वें चरण का आगाज होगा, वहीं 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का। लिहाजा सभी स्टार प्रचारक जनता के बीच जाकर हर वो बात याद दिलाने का काम कर रहे हैं जो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो। 1 जून को हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट पर मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अब इस प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अरे नौकरी छोड़ो, ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। ये तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। अब ये तालाबाज सरकार आपके भविष्य का ताला खोल सकती है क्या? दिल्ली के जिस शाही परिवार ने हिमाचल को ये धोखा दिया, उसने मुड़कर फिर यहां अपनी शक्ल तक नहीं देखी है। साथियों, कांग्रेस ने 4 दशक तक फौजी परिवारों को वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसाया, और कांग्रेस ने कैसा मजाक उड़ाया, हमारे पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकी, और ऐसा पाप करने में उनको शर्म भी नहीं आई। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के दावों को पूरी तरह गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन वास्तव में जमीन पर कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सरकार अस्थिर करने के लिए 6 विधायकों को खरीदा। इससे पहले गोवा और कर्नाटक में भी यही काम किया गया। आपको बता दें, हिमाचल में मंडी सीट से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत चुनावी मैदान में है, तो वहीं शिमला सीट से सुरेश कश्यप। मंडी सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहां दोनों पार्टी के नेताओं के बीच चुनावी प्रचार में कई बार तीखी बहस देखी जा चुकी है। यहां पे भी एक छोटा बप्पू है, वो देखता है कि मैं गौमांस खाती हूं, और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है?
कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा, झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। सिर्फ उनसे सवाल पूछे हैं, कठिन सवाल पूछे हैं, मगर वो हर चीज के लिए जो है वो महिलाओं के महिला विरोधी स्टांस के पीछे छुपने की कोशिश करती है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा, मंडी में और कितनी बेटियां हैं, हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। हम सबके ऊपर हमें गौरव है, सबसे सबके सबको हम बड़े ऊंचे नजरिए से देखते हैं। तो कंगना जी को भी हम अपना नमस्कार कहते हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल में पूरा हो गया है। बीजेपी ने पहले ही हिमाचल में चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है, वहीं कांग्रेस एक कदम पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे यहां प्रस्तावित हैं। आने वाले एक सप्ताह में यहां कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक सभी सीटों पर बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं करेंगे। 25 और 27 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे की शिमला में जनसभा होगी। 26 मई को राहुल गांधी ऊना और नाहन में जनसभा करेंगे। 27 से 30 मई तक प्रियंका गांधी मंडी, शिमला और सोलन में बड़ी जनसभाएं करने वाली हैं। प्रधानमंत्री से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 मई को एक दिन में 3 सभाएं कर चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जवाब कांग्रेस के स्टार प्रचारक हिमाचल की सरजमी से किस तरह दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल हिमाचल में आखिरी चरण में चुनाव होने हैं और यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दरअसल नड्डा साहब इसी प्रदेश के रहने वाले हैं और जानकारों का दावा है कि मंडी में कंगना कड़े मुकाबले में घिर गई हैं। छत्तीसगढ़ के पीएससी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की जाँच अब सीबीआई करेगी। अब तक ये जाँच ईओडब्ल्यू कर रही थी। साल 2020-21 की परीक्षा में बहुत अनियमितताओं का आरोप लगा था। वैसे यह मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी खूब उठा। हालांकि पीएससी गड़बड़ी मामले में सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला क्या है ये घोटाला, देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार में हुई पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जाँच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है। अब तक मामले की जाँच का जिम्मा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू के पास था, लेकिन सीबीआई की एंट्री के बाद ईओडब्ल्यू ने ये केस उसे हैंडओवर कर दिया। अब सीबीआई इस मामले की तह तक जाने की तैयारी में है और एक एक पहलू की बारीकी से जांच करेगी। पीएससी की 2020 और 2021 के डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हुए विवादित उम्मीदवारों की प्री और मेंस की आंच शीट अब जांच के लिए सीबीआई की फॉरेंसिक लैब भेजी जाएगी। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश में है कि आंसर शीट के रोल नंबर और सवालों के जवाब अलग अलग समय में तो नहीं लिखे गए। इसके अलावा उम्मीदवारों की हैंडराइटिंग भी एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी। 18 उम्मीदवारों से पूछताछ की भी तैयारी है। अब जरा जानिए कि जिन परीक्षाओं के नतीजों को लेकर सवाल उठे हैं उसमें अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल 11 मई 2023 को पीएससी 2021 की परीक्षाओं के नतीजे आए थे। पीएससी 2021 की परीक्षा के नतीजों पर सवाल उठने शुरू हो गए। फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जांच कराने का वादा किया। 4 फरवरी को सीएम विष्णुदेव साय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और 7 फरवरी को पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी और सचिव पर केस दर्ज किया गया। कांग्रेस सरकार में हुई परीक्षा के सीबीआई जांच को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो गलत किया हो उसे फांसी पर टांगा जाए। भूपेश बघेल के बयान के बाद अब बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है और क्या कहा है जरा वो भी आप सुन लीजिए। सीबीआई ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी मांगी है, ईओडब्ल्यू से सारे दस्तावेज मांगे हैं, तो इसमें भूपेश बघेल जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और भूपेश बघेल जी इस बात को समझ ले कि उनके सहयोगी टमन सिंह सोनवानी समेत सारे लोग यहां बक्से नहीं जाएंगे, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ सारे मामले की जांच की जाएगी, प्रदेश के छात्रों के साथ में न्याय होगा और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होगी, चाहे कितना बड़ा भी कांग्रेस का नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, कोई भी बक्सा नहीं जाएगा, ये मोदी जी की गारंटी है जो छत्तीसगढ़ में फलित होकर रहेगी। बहरहाल इन सब के बीच इस मामले की पूरी जांच तो अब सीबीआई कर रही है, लेकिन सियासत का भी काम जारी है। हालांकि इंतजार सीबीआई की जांच और रिपोर्ट का करना होगा और देखना होगा कि जांच की आंच किस किस तक पहुंचती है।
भाजपा ने चुनाव में पहले ही जो है ऐलान कर दिया था कि सरकार बनने के बाद हम पीएससी मामले की जांच सीबीआई से कराएंगे, जिसके बाद साय सरकार की गठन होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले की जांच सीबीआई से करने के आदेश दिए थे और अब ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को यह पूरा केस हैंडल करने के लिए दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस जांच में क्या कुछ निकल कर आ पाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। कोई छात्र पहले मेहनत से पढ़ाई करता है, फिर अच्छे नंबर लाता है, फिर पीएससी की कई साल की मेहनत के बाद परीक्षा भी देता है और जब रिजल्ट आता है तो ऐसी गड़बड़ियों की शिकायतें उसके सारे सपने तोड़ देती हैं। किसी भी मेहनती छात्र और उसके परिवार के लिए ये बहुत दुखदायी होता है, इसलिए सरकार परीक्षा की इस व्यवस्था को फुल प्रूफ कर दे तो बहुत राहत होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सरकार की सख्त नीति का असर अब दिखने लगा है। एक तरफ तो सरकार की पुनर्वास नीति पर नक्सलियों की तरफ से जवाब आया है तो दूसरी ओर नक्सलियों पर सरकार की सख्ती भी लगातार जारी है। आज भी सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मारा। ये नक्सली वही थे जो कल की मुठभेड़ के बाद लौट रहे जवानों पर फायरिंग कर रहे थे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नक्सली सारे माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़े, अच्छा जीवन जिए, पुनर्वास करें। छत्तीसगढ़ में एक ओर सरकार नक्सलियों के लिए नई पुनर्वास नीति बना रही है, नक्सलियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन नक्सलियों पर सरकार की सख्ती बरकरार है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल काल बनकर जंगल में उतर रहे हैं और हर रोज बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं और यही वजह है कि नक्सलियों के पैर अब छत्तीसगढ़ से उखड़ने लगे हैं, उनका मनोबल अब टूटने लगा है। लोन वर्राटू अभियान का असर कहिए कि एक महिला समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। उन पर नक्सली बंद के दौरान सड़क खोदना, नक्सली बैनर और पोस्टर लगाने के आरोप थे। वहीं दूसरी ओर सरकार की सख्ती से घबराए नक्सलियों ने अब सरकार की ओर बातचीत का कदम बढ़ाया है। नक्सलियों की ओर से जारी पत्र में साफ लिखा गया है कि खून खराबा रोकने के लिए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि नक्सलियों से शांति वार्ता की अपील डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी की और बेहद भावुक अंदाज में। नक्सली सारे माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़े, अच्छा जीवन जिए, पुनर्वास करें, कोई विशेष बात हो तो वह भी हमको स्पष्ट करें, जिसके लिए पहले ही गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी वगैरह जारी किया गया है। अब जरा आपको बताते हैं कि आखिर नक्सलियों में इतना खौफ क्यों है और नक्सली आखिर बातचीत के लिए क्यों रजामंद हुए हैं और लाल आतंक बैकफुट पर आ गया है। 120 नक्सली ढेर हुए, 100 से ज्यादा नक्सली घायल हुए, 350 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हौसले पस्त हो रहे हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं साल दर साल के आंकड़े। आंकड़े बताते हैं कि 2023 में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में कमी आई है। साल 2019 में मुठभेड़ की संख्या 330, साल 2020 में मुठभेड़ की संख्या 334, साल 2021 में मुठभेड़ की संख्या 253, साल 2022 में मुठभेड़ की संख्या 240, साल 2023 में मुठभेड़ की संख्या 279। एक ओर नक्सलवाद से लड़ाई और दूसरी ओर उनकी पुनर्वास को लेकर सरकार की चिंता, सीएम विष्णुदेव साय के इस बयान से समझ लीजिए। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। हालांकि नक्सलियों से पुनर्वास नीति को लेकर सुझाव मांगना कांग्रेस को रास नहीं आया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल खड़े कर दिए हैं तो जवाब सरकार की तरफ से भी आया है। नक्सल नीति पे ही विरोधाभास है, कभी केंद्र सरकार अलग बोलती है, केंद्र गृह मंत्री अलग बोलते हैं, तो कभी राज्य के गृह मंत्री अलग बोलते हैं, कभी मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं। नक्सल नीति पे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफ्यूज है और दुर्भाग्य ये है कि पुनर्वास नीति पे उनसे सुझाव मांग रहे, क्या सरकार के पास कोई प्लान नहीं है क्या? डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त ऑपरेशन पर थे और उस समय मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में वर्दीधारी हथियारधारी 7 नक्सली और एक आज
उसमें और स्पष्ट हुआ तो 8 ऐसे नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर सरकार सख्त है और ये सख्ती अब रंग लाने लगी है। सरकार उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश में जुटी है तो नक्सलियों को अब सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एक ओर सरकार नक्सलियों पर सख्ती दिखा रही है तो दूसरी ओर नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति पर काम भी कर रही है। सरकार की ये ट्रिक अब काफी असरदार साबित हो रही है और नक्सलियों का सरेंडर करना और ये संदेश देना कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, इस बात पर मुहर भी लगाता है। एमपी अजब है, सबसे गजब है, ये बात मध्य प्रदेश पर 100% सच साबित हो रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि देश विदेश के सैलानियों को मध्य प्रदेश खूब लुभा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2023 में मध्य प्रदेश में देश विदेश के करीब 11 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें सबसे ज्यादा बाबा महाकाल की शरण में उज्जैन पहुंचे। देश दुनिया में अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, जंगली जानवर और आध्यात्मिक विरासत के लिए मध्य प्रदेश की अलग जगह है। अब ये शोहरत आंकड़ों में तब्दील हो रही है। मध्य प्रदेश को महसूस करने के लिए देश दुनिया के सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों को निहारने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर आ रहे हैं। टॉप 10 डेस्टिनेशन में 5 धार्मिक जगह हैं। साल 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए करीब 5 करोड़ 28 लाख पर्यटक पहुंचे, तो मैहर में 1 करोड़ 68 लाख, चित्रकूट में 90 लाख, ओंकारेश्वर में 34,75,000 लोग पहुंचे हैं, सलकनपुर में भी करीब 25,65,000 पर्यटक पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस बार जनवरी से लेकर अभी तक 11 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए हैं। यह चीता स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश निरंतर उन्नति और प्रगति कर रहा है। वैसे सूबे के बड़े शहर भी लोगों को खूब लुभा रहे हैं। साल 2023 में इंदौर में करीब 1,01,00,000 सैलानी पहुंचे हैं, तो संस्कार धानी जबलपुर में 26,69,000 सैलानी पहुंचे। राजधानी भोपाल इंदौर और जबलपुर से पीछे जरूर रहा, लेकिन यहां पर करीब 19,50,000 सैलानी पहुंचे, जिसे कम से कम कम तो नहीं कहा जा सकता है। वर्ष 2023 के आंकड़े रिलीज किए हैं, ऑल टाइम हाई टूरिज्म हमारा 2023 में हुआ है। 11.24 करोड़ लोग वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में भ्रमण करके गए हैं, जिसमें से 5 करोड़ के ऊपर उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करके गए हैं। अन्य हमारे स्थानों में भी बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये वृद्धि जो हुई है आज तक की रिकॉर्ड, वो ऐसे ही नहीं हुई है, शासन के लगातार प्रयासों से, बहुत सारी बेहतर सुविधाएं देने से और पर्यटकों में यहाँ के प्रति रुचि जागृत करने से ये वृद्धि हुई है। सैलानियों की बढ़ती तादाद के पीछे अच्छी सुविधाएं और सुगम होता सफर है। एयर, रेल और सड़क के सफर की कनेक्टिविटी में हुए सुधार की बदौलत टूरिस्ट बड़ी आसानी से मध्य प्रदेश में अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी देश में ही नहीं विदेश के सैलानियों में भी मध्य प्रदेश आने की ललक और बढ़ेगी और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। एमपी अजब है, एमपी गजब है और एमपी उतना ही ज्यादा खूबसूरत भी है। एमपी के पर्यटन स्थल देश विदेश के लोगों को लुभा रहे हैं और प्रदेश की शोहरत अब देश विदेश तक पहुंचने लगी है। 2023 में न केवल पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखा गया बल्कि राजस्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि एमपी के धार्मिक पर्यटन स्थलों पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में भी पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में बढ़ता पर्यटन खुशहाली और बढ़ते रोजगार का प्रतीक है। वैसे इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में दरअसल देखने और सुकून के पल बिताने को बहुत कुछ है, इसलिए हम भी आपसे यही कहेंगे कि कुछ दिन तो गुजारो आप मध्य प्रदेश में। और अब वक्त है चलते चलते का, जिसमें हम आपको कुछ रोचक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो आपको
पल भर के लिए तो हैरान कर देगा। दरअसल केदारनाथ में एक निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर की तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये लैंडिंग हेलीपैड से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुई। इस हेलीकॉप्टर में 6 श्रद्धालु समेत 7 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर ने गुप्तकाशी और सोनप्रयाग के बीच शेरसी हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आ गई और जानकारी मिलते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को केदारनाथ हेलीपैड से कुछ दूरी पर ही आपात स्थिति में उतार लिया।